तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल गेम प्ले वीडियो ऑफ माइनक्राफ्ट। आए हाय 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 आए। तो आज की वीडियो में हम अपने घर के सामने अपनी फार्मिंग शुरू करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और ये जो घर मैंने बनाया है, ये मैंने पिछले एपिसोड में बनाया था, पर वो उसकी वीडियो रिकॉर्ड नहीं थी, उसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी। तो अभी हमारी रात हो चुकी है, तो मुझे जल्दी से पहले सोना हो गया क्योंकि ज़ॉम्बीज आ जाते हैं, तो जल्दी से पहले मैं सो जाता। तो चलो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और अभी हम अपने घर के सामने फार्मिंग शुरू करेंगे। अच्छा, हमको सिखा रहा है। तो सबसे पहले तो मुझे ये जो यहाँ पे इतने सारे गड्ढे हैं, इनको मुझे भरना पड़ेगा। तो वो देखो, वहाँ पे सामने ज़ॉम्बीज भी हैं बहुत सारे, वो अपना जल रहे हैं सूरज की रोशनी से। तो जल्दी से मैं कुछ टूल्स बना लेता हूँ जिससे मैंने फार्मिंग शुरू करनी है। तो हम एक शवल बना लेंगे, तो शवल हम स्टोन की बनाते हैं। तो एक शवल मानी भी क्ले है, इसको इसी से हम उखाड़ेंगे। मुझे पीछे से लाने पड़ेगी कुछ क्ले, क्योंकि अभी तक मेरे पास थोड़ी भी नहीं है। तो ये देखें, इससे बहुत जल्दी जल्दी उतर जाती है। तो चलो गाइस, अभी मेरे पास एक स्टैक हो चुका है इस डर्ट का। तो अभी हम इसको जल्दी से वहाँ पे भर देते हैं, यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं, यहीं पे लगा देते हैं इसको। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से। तो चलो गाइस, अभी तक मैंने इतनी सी बेसिस की क्लियर कर दी है। तो अभी मैं मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई है, तो सबसे पहले मैं खाना खा लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास कुछ मटन पड़ा हुआ था, इसको मैं पहले पका लेता हूँ। तो चलो गाइस, अभी मेरे पास फूड हो चुकी है, सबसे पहले मैं इसको खा लेता हूँ ताकि मेरी हेल्थ ज़्यादा हो जाए और फिर मैं काम कर सकूँ। तो अभी मेरी हेल्थ भी ज़्यादा होगी और मेरी स्पीड भी, चलने की स्पीड भी ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा, तो मुझे और अभी डर्ट लेनी पड़ेगी, वहाँ से पहले मैं डर्ट लेके आता हूँ फिर और काम करता हूँ। तो ये टॉर्च कहाँ पर लग गई। तो गाइस, मेरी अभी शवल भी टूट चुकी है, तो अभी मुझे पहले जल्दी से एक शवल बनानी पड़ेगी। मैं कट्ठी दो या तीन शवल बना लेता हूँ ताकि मुझे बाद में कोई मसला ना हो। ओके, तो मैंने दो शवल बना ली हैं। तो अभी मैं बहुत सारी वहाँ से डर्ट ले लेता हूँ पहले। तो चलो गाइस, अभी मेरे पास एक स्टैक भर के हो गई है डर्ट, इसको मैं पहले लगा देता हूँ। अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और ले लूँगा, पर मुझे नहीं लगता कि अभी और ज़रूरत पड़ेगी। इसको सबसे पहले मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो चलो गाइस, अभी मैंने बहुत सारी यहाँ पे डर्ट लगाकर इसको क्लीन कर दिया और जो भी ग्रास थी यहाँ पे वो भी मैं तोड़ दिया। तो अभी शाम हो चुकी है, तो मुझे पहले जाके सोना होगा। तो सबसे पहले मैं जाके सो जाता हूँ और फिर सुबह मैं काम करूँगा। तो चलो गाइस, अभी सुबह हो चुकी है और अभी मैं यहाँ पे फार्मिंग शुरू करूँगा। तो करना, तो मुझे कहाँ पे फार्मिंग शुरू करनी चाहिए, आगे या पीछे, मुझे ये सोचना होगा। तो मेरे ख्याल से मुझे साइड पे फार्मिंग शुरू करनी चाहिए। यहाँ परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। बहुत सारी स्पेस है और मुझे भूख भी लगी है बहुत सारी। तो सबसे पहले यहाँ खाना खाएंगे, फिर हम आगे काम करेंगे। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हमारा करेक्टर बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगा। तो सबसे पहले खाना बहुत ज़रूरी है। तो चलो गाइस, हमारा भी पेट फुल हो चुका है, तो अभी हम यहाँ पे काम करना शुरू करेंगे। तो मुझे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी जगह बनानी पड़ेगी जहाँ पे मैं फार्मिंग शुरू कर सकूं। तो ऐसे कुछ करके मुझे यहाँ पे कुछ लाइन्स बनानी पड़ेंगी जिनके अंदर मैं वाटर डाल सकूं और फिर हम इसके अंदर फार्मिंग कर सकेंगे। तो चलो गाइस, मैंने अपनी यहाँ पे फार्मिंग के लिए जगह बना ली है और अब हम यहाँ पे फार्मिंग स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अभी सबसे पहले यहाँ से इसको कुछ ऐसे कर देना है ताकि मैं यहाँ पे अपने सीड्स लगा सकूं और यहाँ पे फार्मिंग हो सके। तो अभी मुझे वाटर चाहिए होगा, तो मेरे पास एक बकेट पड़ी हुई है वाटर की। तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लेते हैं ताकि हमें बार बार वहाँ पे जाना ना पड़े। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। तो सबसे पहले एक यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स बना लेते हैं इसका। तो यहाँ पे इतना बहुत है, मुझे सबसे पहले एक कॉर्नर पे इसके यहाँ पे वाटर डालना होगा, एक और बकेट ला कर यहाँ पे डालनी होगी मुझे। अरे वो कौन है हमारी छत के ऊपर खड़ा हुआ? आई थिंक वो ट्रेडर है, उससे हम ट्रेडिंग भी करेंगे बाद में। तो यहाँ पे मुझे पहले पानी डाल देना होगा। तो चलो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया है और अभी हम जल्दी से यहाँ पे अपने सीड्स लगा देते हैं ताकि हमारी जल्दी से फार्मिंग भी शुरू हो जाए। तो मेरे सीड्स भी यहाँ पे पड़े हैं बहुत सारे, उसको यहाँ पे लगा देते हैं। ओके, अरे ये ऊपर क्या कर रहा है, नीचे आ भाई, क्या कर रहा है ऊपर? मैं तो ये ऊपर आके मारता हूँ सबसे पहले। तो ये नीचे आ रहा है, ये तो इसके साथ ये घोड़े जैसे क्या है ये? बेटे वाह, नीचे गिर गया। ए कौन है तू तो भाई? कौन है ये लोग? इधर आ, इधर देख।
ये कौन है? अरे ये तो ट्रेडिंग करता है, तो हमारे पास अभी के लिए तो कोई एमराल्ड तो है ही नहीं, तो मुझे इसकी जरूरत भी नहीं है, तो भाई मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? ओए भाई ये क्या कर रहे हैं, ओए ये उल्टी कर रहे हैं भाई, तो बाज़, बंद करो हाथ जोड़ के, मैं उल्टी कर रहे हो मुझ पे हैं, उयुई क्या करती हो हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? उयुई कर रहे हैं। अरे ये गायब हो गया। ए वो यहाँ पे ही है कहीं पे। अरे मार जाओ यार। मेरी तो पिकैक्स भी टूट गई, मुझे अपनी सोर्ड लानी पड़ेगी। पर सबसे पहले मैं जाके सो जाता हूँ। तो चलो गाइस अभी सुबह हो चुकी है, तो मेरी फार्मिंग भी पता नहीं कितनी हो गई। अरे अभी तक ये यहीं पे ही है और अभी तक ये उल्टी कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले एक सोर्ड बनानी पड़ेगी, ये लोग ऐसे ही नहीं बाज आने वाले। तो चलो एक सोर्ड बन चुकी है, अभी ये नहीं बचेंगे। ओके देखो ये कितनी जल्दी हम मर गए। रुक जरा तुम, ओके ये भी मर गया है। अरे अब तेरा क्या होगा कालिया, अब तेरा क्या होगा कालिया। अरे ये अभी भी मारा है तो, ये गया, ये तो मर गए हैं। और हमारी यहाँ पे फार्मिंग भी स्टार्ट हो गई है काफ़ी हद तक, ये बढ़ चुकी है, तो मुझे यहाँ पे भी कर देनी चाहिए ताकि हमारा जल्दी जल्दी काम हो जाए। तो चलो गए, अभी मैंने यहाँ पर बहुत सारी फार्मिंग कर ली है, तो मुझे इसके आसपास फेंसेस लगाने पड़ेंगे ताकि कोई भी ज़ोंबीज आके हमारी इस फसल को ख़राब ना कर सके। तो फेंस कैसे बनते हैं, तो मुझे उसके लिए प्लैंक्स तो हैं मेरे पास। ओके मुझे सबसे पहले स्टिक्स बनानी पड़ेंगी बहुत सारी ताकि मेरी फेंसेस बन जाएं। तो चलो गाइस अभी मैं यहाँ पे फेंसेस लगा देता हूँ, और ये थोड़ी गलत लग गई है, इसको यहाँ तोड़ देते हैं, ऐसे करके हम यहाँ पे लगाएंगे। अभी मेरे पास बहुत थोड़े हैं ये, तो मुझे वुड भी चाहिए इसके लिए। तो गाइस मुझे सबसे पहले वुड लानी पड़ेगी ताकि मैं उसके और ज़्यादा फेंस बना सकूँ। तो यहाँ पे पास ही बहुत सारे ट्रीज हैं, यहीं से मैं वुड ले लेता हूँ काफ़ी सारी। तो चलो गाइस अभी मैं बहुत सारी वुड ले के आ चुका हूँ, तो अभी यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे चिकन भी दिखे हैं, इनको भी मैं अभी पालूंगा। तो सबसे पहले तो मुझे काफ़ी सारे फेंस बनाने पड़ेंगे ताकि मैं इनको वहाँ पे रख सकूँ। तो चलो गाइस अभी मैं बहुत सारे फेंस बना लिए हैं, अभी मैं सबसे पहले इनको यहाँ पे लगा देता हूँ, और फिर हम चिकन को और शीप्स को भी लेके आएंगे यहाँ पर। तो गाइस अभी रात भी हो चुकी है, तो मुझे सबसे पहले यहाँ सोना होगा, और सुबह हम उन चिकन्स को और उन शीप्स को लेके आएंगे। तो मैंने उन चिकन्स के लिए कुछ इतना सा रास्ता बना दिया है ताकि वो इसके अंदर रह सकें। तो मुझे अब उनको सबसे पहले लाना पड़ेगा, और मेरे पास काफ़ी सारे सीड्स हैं, थोड़े सीड्स हैं लेकिन ठीक है। तो ये आ रहा है एक, उसको भी ले लेते हैं। ओके तो एक ये है और एक वो है, दो आ रहे हैं हमारे पास। ओके इधर आ भाई चिकन, ओए उधर कहाँ जा रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर इधर आ, ऐसा ऐसा। तो चलो ये तुम्हारा घर है, यहाँ आ जाओ, यहाँ पर इधर आओ, इधर इधर आओ। तो अभी ये यहाँ से बाहर नहीं आ सकती, तो इनको मैं कुछ सीड्स दे देता हूँ। अरे वो बाहर निकल आएगी, अंदर चल, अंदर चल, इसको भी मैंने दे दिया सीड। और मेरा वीट भी वहाँ पे बन चुका है। ओके वो वहाँ पे बन चुका है वीट थोड़ा सा। अरे यहाँ पे तो तीन चिकन हो गए, एक ये है, ये दो हैं, देखो कैसे बैठे हुए हैं, ये तीन चिकन हो गए हैं। तो मैं वहाँ से थोड़ा सा वीट लाकर इन शीप्स को भी यहाँ पे ले आता हूँ, और यहाँ से मुझे ये फेंस लेने पड़ेंगे। तो चलो गाइस अभी मैंने इन शीप्स के लिए भी यहाँ पे जगह बना ली, और अभी सबसे पहले मैं वहाँ से वीट लूँगा थोड़ा सा ताकि उनको ये दिखा कर यहाँ पे ले आऊँ। तो मेरे पास अभी थोड़ा ही वीट है, जैसे ये है। ओके और मैं यहाँ पे भी सीड लगा देता हूँ ताकि यहाँ पे भी जल्दी से एक वीट और उग जाए। ओके और इधर देखो तुम भी आ, नहीं इधर आओ। और मुझे भी अभी बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, और मेरी एचपी भी अभी कम होगी थोड़ी देर बाद, इसलिए मुझे जल्दी से पहले खाना भी खाना होगा।
अरे तुम क्यों रुक गई हो, इधर आओ। नहीं इधर आओ, इधर एक एक करके आओ, एक एक करके। अरे यार ये क्या कर रही है, इधर आओ, अंदर आओ, अंदर। तो मुझे दरवाजे भी यहाँ से बंद करना होगा। तो चलो गाइस, अभी मैंने वहाँ पे 2 शिप्स को और 3 चिकन को वहाँ पे रख दिया है। तो अभी मैं अपने घर के लिए भी कुछ अच्छा सा रास्ता बना लेता हूँ। तो चलो गाइस, मैंने आज की स्टूडियो में अपना एक रास्ता भी बना लिया है और साथ में अपनी फार्मिंग भी शुरू हो गई है और यहाँ पे 3 चिकन और 2 शिप्स भी आ चुकी हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, और मुझे कमेंट के सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी भाई, मज़ा आया। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो गाइस, ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।